हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में जया जादवानी द्वारा लिखित यह समय सबसे कठिन समय नहीं इस कविता का सारांश तथा व्याख्या पढ़ेंगे। कविता का सारांश। कवयित्री जया जादवानी द्वारा रचित इस कविता में मानव को इन परिस्थितियों में भी निराश होने की सलाह दी गई है। कवयित्री मनुष्य से कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए वह अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है, अर्थात किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद करने की भावना है। रेलवे स्टेशन पर अब भी भीड़ है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाने को तैयार है। वहां पहुंचते ही कोई किसी के इंतजार में बैठा है कि उसका प्रियजन आ रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का वक्त होते ही कोई किसी के इंतजार में व्याकुल हो जाता है। कविता में सदियों से दादी नानी द्वारा कहानी सुनाने का वर्णन है। अंत में कवयित्री कहती है कि जो बस लोगों को लेकर गई थी वहां पर कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए, किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये लोग अंतरिक्ष के पार ही की नई नई जानकारियां लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसे में किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उठने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवयित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में उदाहरण देती हुई कवयित्री कहती है कि चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग पर भी लाएंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवयित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का इंतजार उनके प्रियजन कर रहे हैं, इनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ, अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। अभी कहां जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियां सुनाई जाती है जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है।
इस समय भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती है जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ मारे गए तथा जो लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप यह कठिन समय नहीं है। हमारे अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।